देश में हिंदुराज को लेकर सियासी उठापटक तेज हो गई है। मुंबई में आजाद मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में मौलाना हसन मदनी ने कहा कि लोग भारत को एक हिंदुराज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंदुराज की मांग करने वाले गद्दार नहीं है तो फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार कैसे हो गए। इसी सुर से सुर मिलाते हुए मौलाना अशरद मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 70 साल पहले बजरंग दल को बैन किया होता तो सत्ता इनके हाथ से न जाती। बजरंग दल के ऊपर हम कदकन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड इन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फकर तंगदस्ती का बोलबाला न होता। वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, साहब 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओबेसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। इतने भी इस तरह के मौलाना हैं जो कांग्रेस के सलाहकार हैं, वो तो स्पष्ट हो ही गया है, और कांग्रेस किन की सलाह पे चल रही है ये भी आप देख लीजिए। आगे विश्व हिंदू परिषद ने मदनी पर जोरदार हमला बोला। पूरे विश्व में जिहाद के नाम पर सभ्य समाज को जो आतंक पैदा कर रहे हैं, जो लूटमार और हिंसा हो रही है, क्या ये विश्व शांति के लिए उचित है? क्या इस प्रकार की जिहाद की अवधारणा को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? क्या पूरे देश की सिविल सोसाइटी को, सभ्य समाज को जिहाद, लव जिहाद, इसके खिलाफ सामने आकर खड़ा नहीं होना चाहिए? बता दें, बजरंग दल को लेकर हाल ही में कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो बजरंग दल को बैन कर देंगे, जिसके बाद मदनी का ये बयान सामने आया है।